हेलो गाइस, सबका स्वागत है आपके अपने मिस्टर टेक्निकल प्रो चैनल पर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आपके माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में गेट हेल्प फिक्सिंग डिस्क की प्रॉब्लम आ रही है तो इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो गाइस, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। और हाँ गाइस, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो गाइस, आज की वाली वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको गेट हेल्प फिक्सिंग दिस प्रॉब्लम को दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है गेट हेल्प फिक्सिंग दिस। तो गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको गेट हेल्प फिक्सिंग दिस प्रॉब्लम को फिक्स करना है। तो यहाँ पर आपको गेट हेल्प फिक्सिंग दिस दिखाई दे रहा होगा, यहीं पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये ब्राउजर चूज करने के लिए कहेगा, तो यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउजर चूज कर लेना है। इसके बाद गाइस, आप कुछ इस तरीके की वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करते जाना है, और यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देगी और ऊपर लिखा भी हुआ है अकाउंट सेटअप टू इनेबल जॉइन मल्टीप्लेयर गेम्स, ठीक है। और यहाँ पर नीचे जो लॉगिन की यहाँ पर लिंक दिखाई दे रही होगी, आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करते हो तो गाइस, आप कुछ इस तरह के पेज पर आओगे। तो गाइस, यहाँ पर आपको बाई जीमेल से साइन इन कर लेना है, जिससे आप माइनक्राफ्ट को साइन इन करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस, ऊपर जीमेल भी दी हुई है, अगर ये बाई जीमेल है तो आपको यहाँ पर पासवर्ड डालकर इसे साइन इन कर लेना है। अगर आपकी दूसरी जीमेल है तो यहाँ पर आपको साइन इन विद अ डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और वहाँ पर जीमेल और पासवर्ड डालकर उसे साइन इन कर लेना है, ठीक है। तो गाइस, जैसे ही आप इसे कर लेते हो तो आप कुछ इस तरह के पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक्सबॉक्स वन विंडो 10 ऑनलाइन सेफ्टी, आपको यहीं पर क्लिक करना है। और यहाँ पर गए जितने भी ये ऑप्शंस हैं, आपको इन सभी को अलाउ कर देना है। जितने भी ऑप्शंस हैं आपको सभी को अलाउ कर देना है। यहाँ पर ये कुछ कुछ ब्लॉक हैं, तो इन सभी को आपको अलाउ कर देना है इस तरह से। और यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, इन सभी को मैंने यहाँ पर अलाउ कर दिए हैं, आपको भी अलाउ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सभी को अलाउ कर दिए हैं मैंने। इसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर जैसे आप क्लिक करते हो तो ये सबमिट हो जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सबमिट कर दिए हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। तो यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ और आपको फिर माइनक्राफ्ट को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं बैक आकर माइनक्राफ्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैंने माइनक्राफ्ट को ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर प्रॉब्लम फिक्स हो चुकी है। तो गाइस, इसी तरह से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वाली वीडियो को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।